resources which can be used again and again. Just like air, water, sun, etc. ये ऐसे रिसोर्स संसाधन हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकते। दूसरी प्रकार के होते हैं जो कि एक बार ही प्रयोग करने के बाद पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं और उनको प्रकृति रिगेन करने के लिए बहुत लंबा समय लेती है। जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, एटसेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दीज आर एग्जॉस्टेड वंस इन यूज्ड। नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। मालिकाना हक के आधार पर संसाधनों को हम कुछ इस प्रकार बांट सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत, अब ये किताब है, बुक है, पेन है, मोबाइल है, कार है, ये सब हमारे अपने हैं जिनका प्रयोग हम व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा आता है कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर नोन एज कम्युनिटी रिसोर्सेज। मीन्स एक संप्रदाय के, एक आसपास के रहने वाले लोगों के, जो कि कोई भी व्यक्ति उनका प्रयोग कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, वो संसाधन कहलाते हैं हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे कि पब्लिक पार्क्स हैं, सड़कें हैं, प्लेग्राउंड हैं, विलेज पॉइंट्स हैं, एटसेट्रा। दूसरे आते हैं ऐसे संसाधन जिन पर कि सिर्फ एक राष्ट्र का हक होता है, क्योंकि वो राष्ट्र की एक बाउंड्री में आते हैं। ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट और द यूनियन गवर्नमेंट आर नोन एज द नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर नेशनल रिसोर्सेज। दूसरे ऐसे संसाधन जो कि जिस पर कि पूरे संसार का हक होता है, वो कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वो किस तरह के होते हैं? वो होते हैं दी रिसोर्सेज आर ओन एंड रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस।